ओबामा साहब को मैं समझता हूं कि यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का अकेला देश यह भारत है। यहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि सारी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, इस नाम पर कभी भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के सेकुलर करैक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुस्लिम कंट्री में भी इस्लाम के जो 72 सेक्स होते हैं, 72 जो फिरके होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे और कहीं नहीं। श्री शाहन, कुछ एक परसेप्शन सारी दुनिया में बनाने की कुछ ताकतों ने कोशिश की है, उसी आधार पर शायद लोगों की धारणा बनी होगी। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, कितनी मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर उन्होंने अटैक किया है आप अच्छी तरह जानते हैं।